एनिमल की ओटीटी रिलीज पर लटकी तलवार, दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स को भेजा सम्मन। एनिमल ओटीटी रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। रणबीर स्टार फिल्म एनिमल की ओटीटी रिलीज फंसती हुई नजर आ रही है। फिल्म की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स सहित सह निर्माता कंपनी के नाम सम्मन जारी किया है, जिसकी वजह से एनिमल की ओटीटी रिलीज पर तलवार लटक गयी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। दिल्ली हाई कोर्ट ऑन एनिमल ओटीटी रिलीज। हाल ही में फिल्म एनिमल की ओटीटी रिलीज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। फिल्म की सह निर्माता कंपनी सीने स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से फिल्म की कमाई की शेयरिंग को लेकर कोर्ट में केस फाइल किया था, जिसमें मूवी की निर्माता कंपनी टी सीरीज के खिलाफ समझौते के अनुसार बंटवारे का हिस्सा ना देने का आरोप लगाया। इस मामले पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नेटफ्लिक्स और सह निर्माता कंपनी को सम्मन जारी किया है। मामले को लेकर कोर्ट ने जारी किया सम्मन। बीते गुरुवार को एनिमल की ओटीटी रिलीज की रोक के मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में की गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने इस मामले के मुकदमे को स्वीकार किया। इसके साथ ही कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और फिल्म सह निर्माता कंपनी सुपर कैसेट्स को सम्मन जारी किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने तीनों प्रतिवादियों के वादी द्वारा पेश किए दस्तावेजों को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने को लेकर हलफनामा भी दाखिल करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो उनके लिखित बयान रिकॉर्ड नहीं लिए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 20 जनवरी तक सभी प्रतिवादी जवाब दाखिल करें और 22 जनवरी को इस केस की सुनवाई की जाएगी। जानिए कब ओटीटी पर रिलीज होगी एनिमल। 1 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म एनिमल को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना जैसे तमाम फिल्मी सितारों से सजी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 550 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके धमाल मचा दिया। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को एनिमल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये मूवी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो पाएगी या नहीं।